बाद इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, गया कुडरमा रेलखंड के गुरपा स्टेशन के समीप मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने से अप और डाउन लाइन की दर्जन भर ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। घटना को लेकर पहाड़पुर स्टेशन सहित विभिन्न स्टेशनों पर यात्री परेशान रहे। सुबह 6:30 पर गुरपा स्टेशन के पास मालगाड़ी की लगभग 20 बोगी पलट गई। दुर्घटनाग्रस्त मालगाड़ी को पटरी से हटाने का काम जारी है। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, इससे अप एंड डाउन दोनों ही ट्रेनों के परिचालन में परेशानी हुई, इससे यात्रियों को भी बेहद परेशानी हुई है। सुबह है ये दुर्घटनाग्रस्त हुई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी मालगाड़ी पलट गई। हालांकि यहां पर टीम पहुंच रही है। आपको बता दें कि लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इसे ट्रैक से हटाया जाए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द दूसरी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए। हालांकि आपको बता दें कि 20 डब्बे पटरी से उतर गए हैं। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गया कोडरमा रेलखंड के गुरबा स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है और इसके वजह से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर हुआ है। आपको बता दें, सुबह 6:30 पर यह हादसा हुआ। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता जयप्रकाश फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यह हादसा हुआ, क्या वजह बताई जा रही है, क्योंकि 20 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और अभी क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? जी अंजलि, मैं बता दूं कि ये जो घटना है, सुबह आले सुबह की घटना है। जब ट्रेन गया से और खुली थी और गोरपा की ओर जा रही थी, उसी समय अचानक ट्रेन का कुछ तकनीकी फॉल्ट के कारण जो ट्रेन के सारे डब्बे पलट गए, जिसके बाद पूरे जो मलबे थे वो बिखर गए हैं और मलबों को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं इस ट्रेन के एक्सीडेंट होने से गया से गुरपा जाने वाली, कुडरमा जाने वाली या धनबाद जाने वाली, और धनबाद से जो गया की आने वाली दर्जनों ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है और उन्हें दूसरे रोड से भेजा जा रहा है। और खास करके जो लोकल जो यात्री होते हैं, उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो मलबा का कार्य चालू हुआ, मलबा हटाने का जो कार्य चालू हुआ, वो लगभग दिन भर का ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद ही इस लाइन को क्लियर की जाएगी। तो बिल्कुल इसी वजह से ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया। तो ये समझा जाए जयप्रकाश के, कुल मिलाकर आज पूरा दिन लग जाएगा, क्योंकि देखिए 20 पटरी यहाँ पर पलट गई है और अभी चल ही रहा है काम, तो पूरा दिन निकल जाएगा। हाँ, क्योंकि अंजलि जी, आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये 55 बोगी का जो डब्बा था वो एक दूसरे पर चढ़ चुका है और जो पूरा इलाका जो है, उस पूरे इलाके में कोयले का जो मलबा था उस मलबे से वो ढक चुका है। उसे हटाने में दिन भर का प्रक्रिया जो है वो रेलवे प्रशासन को लग जाएगी, जिसके कारण से लोगों की आज के दिन जो है परेशानियां उठानी पड़ सकती है। जी जयप्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर बता दें, और ये देखिए, सुबह 6:30 पर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 20 डिब्बे पटरी से उतर गए, लेकिन आपको बता दें कि अब मलबे को हटाने का काम जारी है। बेगूसराय में प्रेम प्रसंग मामले में दो पक्षों में मारपीट हुई। लड़की पक्ष की ओर से युवक के परिवार पर हमला किया गया। मारपीट का वीडियो सामने आया है। सिंघौल थाना इलाके